गाइस मैं अभिनव, आप देख रहे टिकट सिक्स। एंड गाइस आज हम कंपेयर करने वाले हैं रियलमी वॉच 3 एंड बोट वेव कनेक्ट। सो गाइस बेसिकली ये दोनों ही जो स्मार्ट वॉच है ना 3000 के प्राइस में मिल जाएगा, बट गाइस लॉन्च प्राइस बोट वेव कनेक्ट का 2500 था। तो अगर आपको 2500 में चाहिए तो मेरे पास एक सील बॉक्स है, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। एंड अगर आपको रियलमी वॉच 3000 में चाहिए, क्योंकि अभी आई थिंक इसका प्राइस बढ़ गया है, तो 3000 में चाहिए तो अगेन इसका भी सील बॉक्स है, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। तो गाइस दोनों का ही प्राइस ना ऑफर में या लॉन्च प्राइस कह लो जो भी है करेंटली 3000 है। एंड 3000 में यार दोनों ही हमें ब्लूटूथ कॉलिंग ऑफर कर रहा है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड ऑफर कर रहा है एंड बहुत कुछ। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट कॉलिंग स्मार्ट वॉच है 3000 के अंडर, एंड आपको कौन सा स्मार्ट वॉच कंसिडर करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। सो गाइस वीडियो पूरा देखना। एंड गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोनों का अगर डेडिकेटेड रिव्यू देखना है मेरे चैनल पे है, आई कार्ड में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस बोट वेव कनेक्ट का गिव अवे भी चल रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करना। ओके, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस जल्दी से बात करेंगे इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यार बिल्ड क्वालिटी वाइज ना स्ट्रेट यहाँ पे मैं बोट वेव कनेक्ट को विनर बोलूंगा, क्योंकि मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, ओवरऑल स्ट्रैप क्वालिटी काफी अच्छी है, 24/7 आप पहन के रख सकते हो, काफी अच्छा लगता है लुक वाइज। यहाँ पे रियलमी भी भाई लुक वाइज काफी अच्छा लगता है, बट यस मेटल की बॉडी नहीं है, हालांकि स्ट्रैप की क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है ओवरऑल, बट स्टिल बोट वेव कनेक्ट यहाँ पे जीत जाता है। वहीं पे डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई हमें रियलमी में ना 1.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पे अगर मैं बोट वेव कनेक्ट की बात करूं तो यहां पे हमें 1.69 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस दोनों की काफी अच्छी है। एंड टच रिस्पांस की बात करूं ना तो यहां पे रियलमी का जो टच रिस्पांस है ना वो बोट वेव कनेक्ट से थोड़ा सा बेटर है। लाइक इसमें इसका जो यूआई है काफी स्मूथ है, बोट वेव कनेक्ट का जो यूआई है वो भी स्मूथ है, बट यस थोड़ा सा एकदम माइनर सा आपको लैग देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो ज्यादा पॉलिश्ड यूआई ना यहां पे रियलमी का है, बट भाई बोट का भी यूआई काफी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। बट यस यहां पे यूआई एंड टच रिस्पॉन्स के मामले में मैं यहाँ पे रियलमी को पॉइंट देना चाहूंगा, बट अगर आप बोट वेव कनेक्ट भी लेते हो ना तो यूआई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहीं पे गाइस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो देखो यार दोनों में ही ना हमें नोटिफिकेशन इंडिकेटर मिल जाता है, लाइक अगर आपका मैसेज वगैरह आया है एंड अगर आपने रीड नहीं किया है ना तो दोनों के वॉच फेस में यहाँ पे डॉट देखने को मिल जाता है, जब तक आप वो रीड नहीं करोगे तब तक ये डॉट हटेगा नहीं। ये मुझे छोटा सा टच है बट काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहीं पे बोट वेव कनेक्ट में ना हमें एलेक्सा देखने को मिलती है बिल्ट इन, तो ये अगेन काफी अच्छी चीज है, एलेक्सा आप इससे काफी काम करा सकते हो, बट यार रियलमी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे मैं बोट वेव कनेक्ट की बात करूं तो इसमें अगर कॉल आता है ना तो आप मैसेज टोन एंड रिंग टोन दोनों को सेट कर सकते हो, साइलेंट मोड का ऑप्शन मिलता है, बट रियलमी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इसका डिफॉल्ट जो रिंग टोन है वही रहेगा, ये साइलेंट करने का ऑप्शन जरूर मिलता है। वहीं पे मैं बोट वेव कनेक्ट की बात करूं तो इसमें हमें एम्बियंट साउंड का ऑप्शन मिलता है, विच इज प्रिटी हैंडी, बहुत लोग अपने यूज केस में इसे ले सकते हैं, बट रियलमी में अगेन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो भाई हमें रियलमी वॉच 3 में 110+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं एंड बोट वेव कनेक्ट में 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, बट भाई यार दोनों का स्पोर्ट्स मोड काफी एडिक्वेट है, सब कुछ दे रखा है एंड काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी की बात करूं तो भाई दोनों की जो एक्यूरेसी है ना काफी अच्छी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई बोट का जो ये 2500 में लॉन्च प्राइस निकाला था ये स्मार्ट वॉच ना उससे ज्यादा का वर्थ रखता है, बट 2500 में निकाला था काफी अच्छा है, लाइक वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्ट वॉच मैं कह सकता हूँ बोट का अभी तक 3000 के अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, जिसकी एक्यूरेसी जो वर्कआउट की एक्यूरेसी है इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो। तो यस अगर आप वर्कआउट ट्रैकिंग के लिए लेते हो ना तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज है गाइस बोट वेव कनेक्ट में हमें ना कनेक्टेड जीपीएस देखने को मिलता है, लाइक अगर अपने फोन को लेके जाते हो तो यहाँ पे जीपीएस इसके ऐप से कनेक्ट होता है एंड वो वर्क करेगा, या रियलमी में ना एज सच कुछ देखने को नहीं मिलता है, अगेन ये एक चीज है। तो भाई बोट वेव कनेक्ट में ना हमें भर भर के फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीचर्स दे रखा है, फीचर्स वर्क भी करते हैं, बट रियलमी लाइक सिंपल कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप चीज डेफिनेटली ध्यान में रखना। एंड गाइस एक चीज और होती है कॉलिंग स्मार्ट वॉचेस में, अगर आप इसके कॉलिंग वाले ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो ना एंड अगर आपने फोन में कुछ प्ले किया है तो वॉच में भी उसका साउंड आने लगता है एंड फोन में साउंड नहीं आएगा, तो ये काफी खराब लगता है, काफी अनॉइंग लगती है, बट इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में अच्छा ब्लूटूथ यूज किया है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके फोन में अगर आप कुछ प्ले कर रहे हो तो इसमें साउंड नहीं आएगा, ये काफी अच्छी चीज है। वहीं पे गाइस अगर मैं ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करूं तो दोनों का ही ना मैं आपको सैंपल सुना देता हूं, फिर मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा। तो गाइस अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आप इस वॉच से सुन रहे हो, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा। मैं अभी अपने टेरेस पे हूं, यहां पे हवा भी चल रही है, पीछे ट्रेन जा रहा है, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि जब थोड़ा सा ऐसा हवा और विंडी मौसम रहता है तो आपका आवाज सामने वाले को कैसा जाएगा। एंड इतने दूर में है, जनरली अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर रहे हो तो इतने दूर से ही आप बात करते हो एंड यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोफोन में आवाज आता है, तो कितना क्लियर है कैसा है आप जज कर लो।
सो गाइस अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आप रियलमी वॉच 3 से सुन रहे हो। इसमें ना गाइस एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन टाइप का भी लाइक कुछ एआई नॉइस कैंसिलेशन है ड्यूरिंग कॉल। आपको बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइस आ रही होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा लाइक नॉइस यहाँ पे है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कॉल नॉइस कैंसिल कर रहा है कि नहीं ड्यूरिंग कॉल। एंड ओवरऑल कॉल की क्वालिटी मुझे पर्सनली ठीक लगी है, कुछ एज सच कोई प्रॉब्लम। तो गाइस देखो ब्लूटूथ कॉलिंग में तो मुझे दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज है हमें रियलमी में ना एआई नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, तो सामने वाले को ना आपका वॉइस ज्यादा क्लियर सुनाई देगा, ये एक चीज है। उसके अलावा भाई दोनों की ब्लूटूथ कॉलिंग अच्छी है। एक चीज का ध्यान रखना, रियलमी का जो स्पीकर है ना उसमें मुझे लाउडनेस थोड़ी कम लगी है, बट बोट का जो लाउडनेस है वो अच्छा है, बट यस रियलमी में थोड़ी कम है, ये चीज ध्यान रखना। टॉकिंग अबाउट हेल्थ पैरामीटर्स, भाई कंपनी क्लेम करती है कि दोनों में ही हार्ट रेट सेंसर है, SPO2 सेंसर है एंड एवरीथिंग, बट गाइस एक चीज है रियलमी में ना SPO2 सेंसर मिसिंग है, क्योंकि इसमें SPO2 सेंसर जो होता है ना जब आप उसे ऑन करोगे तो ना रेड लाइट जलेगा, बट रियलमी में ऐसा कुछ नहीं है। यस बट बोट में डेडिकेटेड सेंसर्स है SPO2 के एंड हार्ट रेट के। हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आके देता है, वहीं पे SPO2 की बात करूँ तो भाई इसमें SPO2 सेंसर नहीं है, फेक किया है रियलमी ने, एंड बोट में है डेफिनेटली इसका SPO2 सेंसर अच्छा है, कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है। स्लीप मॉनिटरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे रियलमी का मुझे बोट से स्लीप मॉनिटरिंग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है, बहुत नेक टू नेक टक्कर दे देता है, बट यस रियलमी का स्लीप मॉनिटरिंग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस IP68 IP रेटिंग के साथ आती है, तो दोनों को ही पहन के आप बारिश में जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिम वगैरह जा रहे हो तो स्वेट रेजिस्ट कर लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूं तो भाई दोनों की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके फोन से बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो ये अगेन एक अच्छी चीज है। एक चीज है गाइस जो वॉच फेसेस है ना बोट वेव कनेक्ट में आप 10 वॉच फेसेस को वॉच में एक टाइम पर रख सकते हो, रियलमी में ना सिर्फ आप 4 वॉच फेसेस को रख सकते हो, तो ये एक प्रॉब्लम लगी है मुझे, अगर इसमें ज्यादा होती तो अच्छी होती, बट यस बोट वेव कनेक्ट में आप एक साथ 10 वॉच फेसेस को रख सकते हो, दोनों में ही आपको कस्टम वॉच फेसेस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। अगर मैं नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो दोनों में ही सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन आते हैं। एक चीज़ है कि रियलमी में ना तुरंत आ जाता है, एंड इसमें आपको 1 सेकंड का डिले देखने को मिलेगा बोट विथ कनेक्ट में, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बट यस ये है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, आपको कौन सा स्मार्ट वॉच 3000 के प्राइस रेंज में लेना चाहिए। तो देखो यार बोट ने लॉन्च प्राइस इसका बोट वेव कनेक्ट का 2500 रखा था, मेरे पास एक सील पैक रखा हुआ है, तो आप 2500 में लेते हो ना तो काफ़ी अच्छा डील है, 3000 में भी भाई काफ़ी अच्छा डील है बोट वेव कनेक्ट। एंड वहीं पे रियलमी की बात करूँ तो इसका लॉन्च प्राइस ही 3000 है, एंड यस रियलमी एक ब्रांड है आप समझ रहे हो, बोट भी ब्रांड है, बट रियलमी के लिए ज़्यादा लॉयल यूजर्स है, तो अगर 3000 में आपको रियलमी का ही स्मार्ट वॉच चाहिए ब्लूटूथ कॉलिंग वाला तो डेफिनेटली आप रियलमी वॉच 3 को कंसिडर कर सकते हो, एक काफ़ी अच्छा स्टेबल ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, वर्कआउट ट्रैकिंग अच्छी है, लाइक जो जो चीज़ है सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। वहीं पे अगर आपको फीचर्ड पैक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें अलेक्सा वगैरह हो एंड जो जो मैंने बताया इसमें फीचर्स सब कुछ अवेलेबल चाहिए आपको, डेफिनेटली आप बोट वेव कनेक्ट को कंसीडर कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपका एज सच कोई ब्रांड प्रेफरेंस नहीं है तो बोट वेव कनेक्ट को कंसीडर करो, बट यस ब्रांड प्रेफरेंस है तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अच्छे हैं, दोनों को ही लेके आपको रिग्रेट नहीं होगा। सो गाइस इस वाले वीडियो के बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही कंटेंट अच्छे लगते हैं। सो गाइस इस वाले वीडियो के बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।